बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, याक नाबुदु वैयाक नस्तईन। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने इस्लामियात के बारे में काफ़ी ज़्यादा ना पास्ट पेपर अपलोड कर दिए हैं, जो कि बार बार ना आ चुके हैं, ठीक है, वही रिपीट होते हैं, उनके बाहर कोई चीज़ नहीं आती। अभी मैंने ना ये पाक स्टडी का कुछ किए हैं कंपाइल, मुख्तलिफ पास्ट बुक से ना मैंने उनकी पिक्चर लेके एक ही कंपाइल कर लिया। मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँगी, अभी किसी की हेल्प हो जाए, क्योंकि मुझे रिक्वेस्ट थी, इस वजह से मैं बना रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यही आते हैं, इनके अलावा बहुत काम है कि वो कोई आए, ठीक है। और ये आप इसके साथ साथ पिक्चर लेते हैं, पहले मैं ये लैपटॉप वाला वर्जन अपलोड कर रहा हूँ, इसी वीडियो के एंड पे मैं फिर मोबाइल वालों के लिए, ताकि पूरी पूरी पिक्चर आए ना वो सब पिक्चर। ये हज़रत मुजद्दद अलफ़सानी की खिदमत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने 7 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज किया। नाम इनका असल था कुतुबुद्दीन अहमद था, ठीक है, और हदीस पे अच्छा खासा अबूर हासिल था, ठीक है। इन्होंने, हाँ, ये जो ना कुरान पाक का फ़ारसी का तर्जमा, ये मुजद्दद अलफ़सानी, मतलब जहाँ अलिफ़ का लफ्ज़ आ गया, इसका मतलब है कि इसने अब फ़ारसी का तर्जमा किया है। इसके अलावा अदबी खिदमत की काफ़ी हैं, इल्म व हदीस में काफ़ी हैं, फ़िक्र इख्तलाफात को दूर करने की कोशिश, मतलब जो उलमा के दरमियान आपस में इख्तलाफात हैं, जहाद की तलकीन थी, सियासी खिदमत थी, इक्तसादी असूल थे, और खाना के खात्मे के लिए इकदाम के, मुस्लिम नौमाशरे के, ये सारे के सारे इसने लिखे हुए हैं, ठीक है। आप एक दफ़ा जस्ट स्टडी कर लें, इंशाल्लाह आपको सारे का सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ये शाह वलीउल्लाह के थोड़े से जो है ना 151 बुक्स इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। गरीबों को जरूरत को पूरा किया जाए, और ये सारी की सारी बुराइयों को दूर करने के लिए कहा। अब यहाँ पर ठीक आई थिंक मेरे ख्याल में होगा ना, अभी इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ, इसको यहीं पर रोक के पढ़ लें, वेल एंड गुड, नहीं तो आप इसका स्क्रीन शॉट लें और फिर बाद में पढ़ते रहें। जैसे भी किताब परचेज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो यार पिक्चर से लेकर शेयर कर देते हैं। ओके, दो कौमी नज़रिए में भी इनका ही किरदार है, और इक्तसादी असूलों में, खाना जंगी के खात्मे में इनकी काफ़ी खिदमत हैं। उलमा कराम इत्तेहाद की कोशिश, ये जो मौलवी हज़रात आपस में लड़ते रहते हैं, कभी वो कहता है ये यूँ सजदा करना है, यूँ नहीं करना, तो ये छोटी छोटी बातों पर जो लड़ रहे थे ना, उनको वो ख़त्म किए इन्होंने, मतलब छोटे छोटे मनाजरे करा कर लंबी लंबी उसमें लड़ाइयाँ लड़ना, बद कलामी होना उसके अंदर, वो सारे के सारे। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस का भी ये क्या है, सर सैयद अहमद खान, ये क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ से शुरू हो गया, ये वाला सर सैयद अहमद खान की सियासी और समाजी। 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली के एक मौजूद घराने में पैदा हुआ, ठीक है। और इसके अलावा आगाज़ 1857 की जंग आज़ादी में जो है ना, वहाँ से इनका मुकम्मल जो है ना वो शुरू करना है आपने, तरीके अलीगढ़ का बता देना, फिर आ गया एक इलमी खिदमत, ठीक है। 1859 में मुरादाबाद में एक मदरसा कायम किया, फिर दूसरा गाजीपुर में 1862 में, ठीक है, साइंटिफिक सोसाइटी कायम की। मुस्लिमगढ़ अलीगढ़ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, MAO हाई स्कूल, ये नहीं भूलना आपने, ठीक है। और क्या था, मुस्लिम ईसाई ताल्लुकात में, ठीक है, इन्होंने बेहतरी लाई, मुसलमानों के बच्चों को इस जो है ना वो ईसाइयों के बच्चों को मुस्लिम तलीम दी उन्होंने, यतीम खानों में वाक़ अंग्रेज़ी ज़ुबान के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया, ठीक है। इनका मानना था कि अंग्रेज़ी को सीखे बगैर मुसलमान आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट तहरीक खिलाफत पे नोट था, ठीक है, ये था तुर्की में जो है ना इस्लामी खिलाफत कायम थी। अब इसके अंदर वो सारे का सारा, अब 1914 में जब पहली जंग हुई तो तुर्कों ने जो है ना वो जर्मनी का साथ दिया था, ठीक है। इसके अंदर फिर क्या था, वो जर्मनी तो हार गया, लेकिन फिर उसके बाद जब उन्होंने कब्ज़ा करने के लिए आए तो उन्होंने फिर एक ना तहरीक चलाई मुसलमानों ने, ठीक है। 5 जुलाई 1919 को ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी कायम की गई, इसके अलावा फिर रहनुमा थे तहरीक खिलाफत मुखासद किया गया था, ये मुखासद उन्होंने मुसलमानों के मुकदस मकाम को तुर्कों की तहवील में रहेंगे और अंग्रेज़ों का अमल दखल ख़त्म होगा, खिलाफत उस्मानिया कायम रहेगी, तुर्की की हदूद वही रहने देगी जो जंग से पहले थी,
ये इसके मेन मकासद थे, वो आपने लिख देने हैं। और ये फिर सारे का सारा पढ़ लीजिएगा। ओके और ये कौन सा क्वेश्चन है? वही गांधी वाला चल रहा है। इसके अंदर था एक क्वेश्चन यार, वो किधर गया? हाँ वही चल रहा है, ठीक है। एंड नाउ ये मिसाइल, पाकिस्तान के इब्तदाई मिसाइल के ऊपर नोट, ये सारे के सारे वो आम जो बंदा इतिहास से अगर किसी को बिलोंग करता है ना, बहुत अच्छा मिसाइल लिख सकते हैं। या अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी मिसाइल लिख सकते हैं आप, क्योंकि बंदा उनसे गुजर के आया होता है। टेक दैट स्क्रीन शॉट। मोबाइल वालों परेशान नहीं होना, ये इसी के एंड पे मैं दोबारा दूसरा वर्जन भी अपलोड कर रहा हूँ। तकसीम करो और छोड़ो, गांधी कह रहा था हिंदुस्तान छोड़ दो, कायदे ने कहा नहीं पहले तकसीम करो फिर छोड़ो हिंदुस्तान, हमारी ऐसी की टैसी। पाक चीन दोस्ती, इसके अंदर आपने सी पैक ने ना लिखा तो ये दोस्ती में ज्यादती होगी। लिख देना शहद से ज़्यादा मीठी, आसमान से ज़्यादा ऊंची हो गया और समंदर की गहराई से ज़्यादा गहरी दोस्ती है, यही होता है और क्या चीन के साथ। ओके हो गया, बाकी ये मुसलमान की तारीफ, छोटी छोटी तारीफें हैं वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। ज़ुकात व अशर का निज़ाम, शरीय दूध का निफाद, पाकिस्तान के में नफाद इस्लाम के लिए किए गए इकदाम, वो सारे के सारे। और ये मसला कश्मीर पे नोट, ये अगर आप ना लिख सकें ना तो आप सच्चे पाकिस्तानी नहीं है आई थिंक। दो को मैंने नज़रिया पे नोट लिखना है। ओह माय गॉड, मुझे तो नींद काफ़ी आ रही है आज तो। और करार दादे पाकिस्तान, बच्चे बच्चे को पता है, एक फजल हक ने पेश की जिसे हम शेर बंगाल भी कहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी मैं मोबाइल वाला वर्जन अपलोड करके जल्दी से आपसे इजाज़त चाहूँगा। ओके मोबाइल वालों ये लो यार। ओके यार थोड़ा जूम करो ना,
ओके ओके पाकिस्तान के क़याम के फ़राइज़ व मकासद क्यों कायम हुआ? इस्लामी रियासत चाहिए थी यार, मुसलमान आज़ाद मुल्क चाहते थे, वो हिंदू गाय भी ज़िबा नहीं करने देते थे। जो आजकल मोदी की हुकूमत में चल रहा है ना, वही आपने लिख देना। और देखा है वो सिख भी एहतजाज कर रहे हैं, सेम वही हालात हैं। पाकिस्तान के चीन से ताल्लुकात। ओके अच्छा, कायदे आज़म के चौथा नकात अभी मुझे नहीं है इस पिक्चर्स में। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि गूगल से ला के ना दे दूँ, लेकिन गूगल वाले जो है ना वो कॉपीराइट स्ट्राइक ना कर देंगे, मुझे इस बात का डर है। ये ना हो ये वीडियो सारी की सारी बैन हुई पड़ी हो। मैं देखता हूँ उसका जुगाड़ लगाता हूँ कहीं ना कहीं से, परेशान नहीं होना। लास्ट बट नॉट लीस्ट रिमेंबर मी आल्सो इन योर प्रीशियस प्रेयर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।